ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ करीब 90+ स्पीशी और 20,000+ जोड़े बर्ड इत्थे सर्दियों के मौसम से प्रवास करता है। सैलानियों लिए इत्थे विभाग वालों पंजाब सरकार वालों एक इंटरप्रिटेशन सेंटर 3 एकड़ में बनाया गया। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ। पंछियों का वध तो वध गिनती दे विच आउणा जिहड़ा उह साडे लई एक शुभ समाचार है। बहुत वधिया पंछी देखे आ सारे, काफ़ी तरह के आए हुए हैं जिहड़े वेख के आए। बच्चे भी अज बच्चों ने अज इंजॉय किया। नाल कार है कि थोड़ा जिहा होर इस एरिया नूं डिवेलप करे, एज ए टूरिस्ट प्लेस बनाए। इस जगह दे विच सफाई सफूई होए, व्यूज़ पॉइंट अच्छे होण। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਛੰਭਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 18,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 800 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਛੰਭ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वन जीव अधिकारी ने दस्सिया कि इस बार प्रवासी पंछियों की आमद विच रिकॉर्ड वाधा होया ते आंकड़ा करीब 25,000 नूं पार करन दी संभावना है। हाँ जी, असीं अज खड़े केशोपुर छंभ कम्यूनिटी रिजर्व, जो कि एक रामसर साइट भी है और भारत का जिहड़ा ये पहला कम्यूनिटी रिजर्व होण दा इहनूं माण प्राप्त है। ये 5 पिंडां दी केशोपुर डाला मियानी मगरमुदिया मटम दी पंचायती लैंड है, जो कि कम्यूनिटी रिजर्व विभाग वालों पंजाब सरकार वालों इन्हूं डिकलेयर की गई। यदी जी एक नैचुरल वैटलैंड है। इतने सर्दियों के मौसम वक्-वक् देशों तो करीब 90+ स्पीशी और 20,000+ जोड़े बर्ड इत्थे सर्दियों के मौसम से प्रवास करता है। तो 100 विभाग ने इन्हां दी जिहड़ी सुरक्षा लई पेट्रोलिंग टीमां बना के दिन रात ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ਹੈ। सो इन्हां नूं विभाग की कोशिश है कि जिहड़ी इन्हां दी पंछियां दी वध तों वध सुरक्षा की जाए और सैलानियां नूं जिहड़े वध तों वध खिच्च दा केंद्र बनाउण लई आपां वख-वख उपराले विभाग वल्लों जारी ने। एक लोकां नूं अपील है कि जे पंछी बाहरों आउंदे ने इन्हां दे जिहड़ा ये साडे मेहमान पंछी ने और इन्हां दे जिहड़ा शिकार ते पूर्ण तौर ते वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 अधीन पूर्ण पाबंदी है और कोई भी जिहड़ा कोई ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਰਫਦਾਨ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਘੱਟ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ शुभ समा जा रहा है। सियाल देना चाहते हैं जी, इस सियाल दे विच जिहड़े मेन बर्ड्स ये वाटर बर्ड्स होंदे ने, जो उत्थों दीयां झीलां जम जांदियां ने फिर गर्म देशां वाल अपने फूड लिए रुख करते हैं। इत्थे इन्हां नूं वधिया फूड जिहड़ा इन्हां नूं चाहीदा ओह इत्थे मिलदा है। सो ये इत्थे 4 महीने करीब स्टे करते हैं। इधर आउण च कितना समा राज किते स्टे भी करदे इन्हां दे विच अलग अलग तरह के बर्ड ने, ਜਿਹੜੇ कई बर्ड ने साढ़े को बार हैडड गीज आंदा वो माउंट एवरेस्ट जिहड़ा उहनूं क्रॉस करके आंदा वा, सब तो उच्चा उड्डण वाला वो बर्ड है। कई बर्ड इदां जिहड़े 5-5, 7-7 हज़ार लगातार फ्लाइट लैके आंदे ने। हाँ, कुछ बर्ड जिहड़े रस्ते जे स्टे भी करते जिथे उहनां नूं मिलदा है, इस तरह फिर उस पैटर्न ते वापस हुंदे ने। उत्थे ही इस खूबसूरत नज़ारे नूं देखण लई पहुंचे टूरिस्ट भी काफ़ी खुश नज़र आए ते सरकार नूं अपील कीती कि होर प्रबंध किए जान तां जो ये विशेष आकर्षण का केंद्र बन सके। नाम गुरदेव सिंह है जी। असीं अज पंछी देखण आए सी, इत्थे कहंदे साइबेरियन पंछी वगैरह आउंदे ने, वो बच्चों नूं दिखाउण लै के ना आए सी। आपां अगे देख के आए ने, बहुत वधिया व्यू आ सारा, बहुत वधिया पंछी देखे आ सारे, काफ़ी तरह के आए हुए हैं जिहड़े वेख के आए आ बच्चे भी। अज बच्चों ने अज इंजॉय कीता नाल। किद्दां लगा? बहुत वधिया लगा जी, बहुत वधिया। सरकार नूं की चाहुंदे हो? सरकार है कि थोड़ा जिहा होर इस एरिया नूं डेवलप करे, एज ए टूरिस्ट प्लेस बनाए। इस जगह के सफाई सफूई होए, व्यूज़ पॉइंट अच्छे हो, थोड़ा जहा इंफ्रास्ट्रक्चर की घाट है, बाकी सब ठीक है। मेरा नाम गुरदेव सिंह है जी। बच्चों ने लैके आया से नाल देखने वास्ते अज पंछी। इतने पता लगा सी इतने साइबेरियन पंछी वगैरह आते हैं, वो खा के लैके आए हैं बच्चों को। काफ़ी तरह के बर्ड आए हैं जोड़े देखे ने, बड़े अच्छे व्यूज़ ने जिसों ये सारा देखा है, सारा कुछ बड़ा वधिया बच्चों ने इंजॉय किया जी। सरकार तो चाहते हैं कि थोड़ा जहा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार किया जाए, थोड़ा जहा व्यू पॉइंट्स वधाए जाए, थोड़ा जहा इतने होए जिस तरह कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ इस जगह के वास्ते।